रुद्रपुर क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जिस दुबे परिवार पर दबंग प्रेमचंद यादव की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, सच्चाई ये है कि प्रेमचंद की हत्या की वारदात को अंजाम देते हुए किसी ने नहीं देखा। ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि पहले से चले आ रहे विवाद के कारण उग्र भीड़ ने दुबे परिवार को ही निशाना बनाकर 5 लोगों की हत्या कर दी। घटना के बाद कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं और पुलिस उन सभी सवालों के जवाब की तलाशी कर रही है। बता दें कि दबंग प्रेमचंद की पत्नी ने बताया कि सुबह फोन आया था, उसके बाद वह घर से निकले। वह फोन किसने किया था? प्रेमचंद का शव सत्यप्रकाश के दरवाजे पर नहीं 50 मीटर दूर खेत में पेड़ के पास पड़ा था। सवाल उठता है कि किसी की हत्या पर कोई घर में क्यों बैठा रहेगा? दुबे परिवार के पास भागने के लिए 1 घंटे का समय था, फिर भी वह घर में परिवार के साथ क्यों बैठा रहा? ये घटना बताती है कि सत्यप्रकाश को यकीन था कि घटना को हमने अंजाम नहीं दिया, तो मुझे इससे क्या लेना देना। इसी विश्वास का खामियाजा उन्हें 5 जाने देकर चुकानी पड़ी। उधर प्रेमचंद के मोबाइल पर सोमवार की सुबह किसने फोन कर उसे बुलाया, इसे जानने के लिए पुलिस कॉल डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। कॉल डिटेल मिलने के बाद काफी हद तक पुलिस को घटना को सुलझाने में मदद मिलेगी।